राजधानी लखनऊ में गैंगस्टर संजीव हत्याकांड के 48 घंटे बाद लखनऊ ज्वाइंट कमिश्नर कानून व्यवस्था उपेंद्र अग्रवाल और डीसीपी सेंट्रल अपर्णा रजत कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था कायम करने के लिए हम काम कर रहे हैं। संजीव हत्याकांड का जो अपराधी विजय यादव है वह जौनपुर के रहने वाला है और उसके ऊपर वजीरगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है और इस घटना में 5 लोग घायल हुए हैं। उपेंद्र अग्रवाल ने बताया कि संजीव जीवा को लगभग 10 लोगों की टीम पेशी को लेकर जाएगी और उस लेकर गई थी। उसी दौरान जो संजीव जीवा पर फायरिंग की गई उसके बाद पुलिस ने उसे अस्पताल भेजा जहां पर उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना के 6 लोगों को अभी तक निलंबित किया गया है और इसके साथ ही टेक्निकल हेल्प के लिए भी टीम लगाई गई है। मुख्य रूप से घटना की इन्वेस्टिगेशन के लिए SIT गठित की गई है। सुझाव लेंगे, सभी का सुझाव लेने के बाद एक अच्छी सिक्योरिटी स्कीम हम लोग इसमें तैयार करा रहे हैं जो जनपद न्यायालय के जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए है। इंस्पेक्टर श्री रामपद प्रजापति इनको भी नियुक्त किया गया है जो पूरे सुरक्षा के लिए प्रभारी होंगे और इनको हम शुरू से ही इस सिक्योरिटी स्कीम का प्रभारी बनाएंगे जो ये पूरी सिक्योरिटी स्कीम तैयार कराएंगे। तो मुख्य रूप से ये सिक्योरिटी का अपडेट था और जो इसमें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है उसमें जैसा आप लोग पता है जो मुख्य अभियुक्त था मौके से ही उसको पकड़ा गया था, बाद में इलाजरत रहा। इलाज के बाद डॉक्टर ने उसे कहा कि वो पूछताछ से लेकर के कई चीज़ों के लिए हो गया तो उसको फिर फॉर्मल अरेस्ट शो करते हुए हम लोगों ने कल माननीय न्यायालय से आग्रह किया तो हॉस्पिटल में उसका रिमांड स्वीकृत करते हुए 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। हम लोग जो